आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे साइकोलॉजी 12th क्लास की NIS की 328, इसका कोड नंबर है। इसका TMA बनाएंगे जो 2023 जुलाई में 31 जुलाई तक जमा करना है। अगर आप हमसे भी जमा करा सकते हैं, PDF चाहिए वो भी मिल जाएगी, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, TMA नोट्स और NIS की हेल्प बुक, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस सब डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ये पूरा मैं समझाऊँगा, ध्यान से देखिए। आप जंगल में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं और आपने अपने दाईं तरफ से एक सांप को देखा। इस सूरत हाल में आपका क्या रद्दअमल होगा? जज्बात के किसी एक नज़रिए का इस्तेमाल करते हुए अपने जवाब की हिमायत करें। तो इसका जवाब है, जज्बात का नज़रिया बयान करते हैं कि इंसान का तर्ज अमल जज्बाती कैफियतों से किस तरह मुतासर। जज्बात की कुछ अहम किस्में हैं, गुस्सा, खौफ, उदासी, बेदारी और खुशी और हैरत। जाहिर बात है, आप सांप को देखकर चौंक गए और खौफ महसूस किया और ख़ुद को सांप से बचाने की कोशिश करें। और जज्बात का नज़रिया, खौफ हमारी फितरी बका के लिए जुबिल्लत से गहरा ताल्लुक है। दूसरे लफ्ज़ों में, जब हमारे जिस्म किसी खतरात या नुकसान पता लगता है। इसके बाद अगला सवाल है, ऐसी लाइन छोड़ के साफ साफ लिखिएगा, ऑपरेट कैन पेशिंग के मुताबिक बच्चे के आराम को बढ़ाने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल किया। ऑपरेटिंग कैन के नज़रिया 1950 की दहाई में PF सेनन ने तैयार किया और ये तारीख का सबसे बासर नफ्सियासी नज़रियात में से है। बच्चे के आदाब को बढ़ाने के लिए कुछ तरीके शामिल हैं, अपने हदूद और कवायद फराम करना जिनके उन्हें खेलने से पहले, दौरान और बाद में अमल करने की ज़रूरत है। इसीलिए उन्हें ये जानने का मौका मिलता है कि मुख्तलिफ हालात में मुनासिब रवैया क्या है। बच्चों को उनकी दिलचस्पी और कमज़ोरियों को दरियाफ्त करने देना ताकि वे दूसरे शोबों की तलाश करें, उन शोबों में बेहतरी पैदा कर सकें। तीसरा सवाल है, इंसान और माहौल का रिश्ता दो तरफा है, बयान पर तबसरा। इंसान और माहौल का रिश्ता दो तरफा है, ऐसे बहुत से अवामिल हैं जो इंसान को माहौल के हवाले से ज़्यादा बाशऊर होने की ज़रूरत का बाइस बन सकते हैं। इंसान और माहौल के दरमियान ताल्लुक इस बात पर मुनासिब है कि टेक्नोलॉजी किस तरह तरक्की की। रिवायती तौर पर इंसान अपने अमाल के नतज पर गौर किए बगैर कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करते हुए फितरत से मुतजादम रहे, यानी टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल करता है कि फितरत को नुकसान हो। ज़मीन ने इंसानी सरगर्मियों की वजह से दर्जा हरारत, बारिश और ज़मीन के कटाव के लिहाज से भी ज़बरदस्त तब्दीलियाँ देखी। इसके बाद चौथा सवाल है, किसी एक महारत के लिए एक सेल्फ इंटरनेशनल ट्रेनिंग SIT डिज़ाइन करें जिसे आप पढ़ना चाहते हैं। आप एक हुनर सीखने के फैसला करते हैं जिसके साथ आप जद्दोजहद कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपने टेनिस खेलने को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने लिए SIT डिज़ाइन कर सकते हैं। पहला कदम यह मालूम करना होगा कि आप कौन सी महारतें तैयार करना चाह रहे हैं। दूसरा मरहला ये मालूम करना होगा कि आपकी महारत की नशोनुमा के लिए किस किस्म की तदरीसी तरबियत की ज़रूरत है। तीसरा मरहला आपको ये सीखना होगा कि ये एक कुलीदी महारत है जो आपकी ज़ाती तरक्की, आपके करियर और यहाँ तक कि आपकी तहरीर को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकती है। इसके बाद पांचवा सवाल है, एक शख्स ने शराब नोशी की आदत छोड़ने का फैसला किया क्योंकि इस आदत की वजह से उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चैलेंजेस का सामना था। जिस आरजी में मुब्तला है उसकी शनाख्त तो और नाम बताएं, मुख्तलिफ मराइल का जिक्र है। आजकल ऐसी दवा है जो लोगों को मुख्तसर मुद्दत में अच्छा महसूस कराती है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बहुत सी जिस्मानी और जहनी मसाइल का बाइस बनती है। शराब नोशी की आदत छोड़ने के लिए आपको शराब छोड़ने के लिए तैयार होना होगा और एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आपको सपोर्ट सिस्टम और मुस्बत जहानत की ज़रूरत। फैसला करेंगे तब्दीली का वक्त, आप मुहरकात की निशानदेही करें जो शराब नोशी का सबब बनी। इस बात की निशानदेही करें कि आप दिन में कितनी शराब पी लें। फितने के तमाम ज़राए को ख़त्म करें, किसी भी मनफी ख्यालात को मुस्बत से बदलें। यानी इंसान जब परेशानी में होता है, अक्सर देखा गया, या उसके साथ कुछ हादसा हो जाता है तो वो जब भी गलत आदतों की तरफ जाता है तो हमेशा गलत ना सोच के मुस्बत सोचें। इसके बाद छठा सवाल है, माहौल दो हिस्सों में बनाएं, जमानी जैसे शोर, दर्जा हरारत, पानी, हवा वगैरह। और नफ्सियाती माहौल एक फ़र्द के ज़रिए माहौल के अदराक और तजुर्बात अपने इर्द गिर्द के मुशाहिदा करें और इंसानी रवैये के माहौल पर असरात पर एक रिपोर्ट तैयार करें। माहौलियात पर इंसानी रवैये के असरात,
माहौलियात पर इंसानी रवैये के असरात को कुछ नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि माहौलियाती तब्दीली अक्सर बतदरीज होती है जिसकी वजह से कोई फौरी ख़तरा नहीं होता। अगर हम अपने इंसानी रवैयों के साथ अपने गैर जानबदार तरीकों को जारी रखते हैं तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि गिरा अर्ज की वसाइल ख़त्म हो जाए और ज़िंदगी को बरकरार रखना के काबिल ना रहे। इंसान को माहौल बहुत बड़ा असर होता है। हम सबसे ज़्यादा फजला और आलूदगी पैदा करते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को यकीनी बनाएं कि हम बेहतर फैसला करें और कुदरती वसाइल को कम इस्तेमाल। इस चक्कर को रोकने के लिए हमें अपने रवैयों को बदलना होगा। तो ये जो है मैंने आपको क्या कहते हैं साइकोलॉजी का TMA समझाया था और एक एक लाइन एक एक लफ्ज़ पढ़ के सुनाया। अगर आपको ये मेरी मेहनत छोटी सी कोशिश पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, घंटी दबा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आए मैं आपको फ़ौरन दे दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर कर दिया करें जिस तक पहुँचनी है उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, ठीक है। और लाइक तो ज़रूर करें और कमेंट भी कर दें। शुक्रिया।